बचपन में था और मेरे को भी मतलब देखने का बहुत ही ख्वाहिश था कि बुद्धिस्ट आश्रम सब कैसा रहता है और कैसा दिखता है, और आज आप लोगों को भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे कैसा रहता है कैसा नहीं। तो चलिए हम लोगों का साथ में बने रहना और आप लोग आज देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट आश्रम कैसा है। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग बुद्धिस्ट मंदिर में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं बाहर से, आप लोगों को दिखाते बाहर से कुछ नजारा। तो ये रहा बाहर से कुछ बुद्धिस्ट मंदिर का नजारा। और आज मेरे को ना बहुत जोर से बोले तो बहुत ही ज्यादा जोश था कि बुद्धिस्ट मंदिर एक बार जाना है, एक बार देखना है वो लोग का कल्चर कैसा रहता है क्या रहता है सब कुछ जानना था। तो ये इरादाला के पास आज आए और आप लोग को भी दिखाएंगे कि बुद्धिस्ट मंदिर का अंदर में कैसे रहता है, आदमी लोग कैसा दिखता है। तो चलिए आज वही इंजॉय करें। फ्रेंड दोनों भी साथ में देख सकते हैं, ये भी है कुछ मुछ भी साथ में जा रही है और बहुत सारा लोग भी अंदर में रहेंगे शायद ना। तो आज कुछ पकड़ा मैं शायद उन लोगों का, मेरे को भी पता नहीं आज क्या है। मतलब इधर हम लोग का गुरु जी का बर्थडे है। हाँ तो चलो देखिए, चलो अभी सामने पहुँच चुके देख सकते आप लोग। चलिए अंदर में चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अंदर में घुस सके और उनका ही जन्मदिन है आज, उनको ही मतलब जन्मदिन बनाने के लिए हम लोग आए हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है और क्या कुछ दिखा सकते हैं आप लोगों को बुद्धिस्ट मंदिर का अंदर में। तो मेरे को भी पता नहीं था यार, मैं भी कभी भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैं भी विजिट किया आज बुद्धिस्ट मंदिर में। मेरे को मतलब एक जानना था, देखना था कैसा है क्या है। और हम भी सोचे कि यार पापली लोगों को भी दिखाना चाहिए कि बुद्धिस्ट लोग कैसा है, उन लोगों का मंदिर सब कैसा दिखता है। वही बस इरादा था, वही इरादा लेके हम लोग आए हैं आज और देखते क्या क्या कुछ दिखा सकते आप लोगों को। तो चलो देखते देखिए कैसे। अभी मेरा दोस्त अभी पूजा कर रही है बुद्धिस्ट को और इसमें अब आदमी मतलब उन लोग का गुरु जी को सौंपा गया था और अभी उन लोग राउंड करेगी, धूप कैंडल जलाएगी और हम भी जलाएंगे सोचे हैं। देखते हम लोग का जैसा है कल्चर, कुछ कुछ चीज़ मतलब हम लोग का हिंदू जैसा ही दिखता है। और जैसे कि हम लोग हिंदू में भी धूप जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं, जैसे कि प्रणाम करते हैं, उन लोग का भी सही नहीं ऐसा ही देखने को मिला। मैं तो सोचा कुछ कुछ टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हम भी मतलब हिंदू का ही एक मंदिर में आए, ऐसा नहीं लग रहा था कि बुद्धिस्ट का आश्रम है। तो अभी इंदर में सभी लोग आएंगे, उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। और अभी भी लोग नहीं आए, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, हम लोग सुबह सुबह आ गए इसीलिए कुछ लोग कम देखने को मिल रहे हैं। तो बस वही है और देखते क्या क्या है। अभी ये लोग कैंडल जला रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, देखिए देख सकते हैं मैं फूल लगाया, अभी कैंडल जला रहा है वो दोनों। हम लोग धूप दिखा रहे देख सकते, चलिए धूप दिखा रहे थे, उसके बाद निकलेंगे और चारों तरफ और दिखाएंगे। कौन है गुरुजी? यही है उन लोगों का गुरुजी है बुद्धिस्ट लोगों का। तो देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम, मैं भी आज मेरे को पता भी नहीं, ये लोगों को पूछ पूछ के सब जानकारी ले रहा हूँ।
कैसे किया है? ये मेरा दोस्त बता रहा है कि ये 94 ईयर्स तक मतलब जिंदा था। जिंदा था अभी तो नहीं है? अभी तो नहीं, अभी गुजर के 5-6 ईयर्स हो गए, गुजर गए अभी 5-6 साल हो गए। तो 94 तक उन जिंदा थे, तो अभी वो लोग का गुरु जी है, अभी फिलहाल नहीं है, तो वही है बस। और देखते हैं और क्या क्या देखने को जानकारी मिलता है। আপনা উনকা কি রেগা ও কি চলো। क्या है मतलब ये भगवान बुद्धा का धातु? धातु बोलने से ये हिंदी से बोलते हैं, धातु हिंदी से बोलेगा उसको रिलिक, रिलिक बोलते हैं, रिलिक। उसका भगवान का ये धातु बोलने से जो भगवान मतलब गुजर गया उसका अस्थि, धातु हम लोगों। तो दोस्तों यही था बुद्धिस्ट मंदिर का कुछ खास नज़ारा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके जाना। और यार आप लोग लाइक ठोकना, लाइक ठोक के जाने से आप लोगों को कुछ पैसा भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, भाई के पास सपोर्ट मिलेगा वही बस और कुछ नहीं। गाइस अभी हम लोग का हो गया घूमना खत्म, अभी हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कर लिया। और क्या क्या था अंदर में आप लोगों को दिखाई दिया, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग लेकिन जरूर कमेंट करके बताना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।